इमाम को पता होता है अब क्या होने वाला है और अब क्या होने वाला है। इब्राहिम को नहीं पता था कि दुम्बा आने वाला है, इब्राहिम को नहीं पता था कि दुम्बा आने वाला है, हाजरा को नहीं पता था कि चश्मे जमजम फूटने वाला है, लेकिन हुसैन को पता था कि दुम्बा कब आता है। हुसैन को मालूम था कि दुम्बा कब आता है, हुसैन को मालूम था कि जमजम कब फूटता है। एक बार पुकार कर कहा, मेरे बच्चे को पानी दो, अभी मसाहिब पे नहीं हूं, अली असगर को पानी दो, इसने खता नहीं की, ये खताकार नहीं है। अच्छा, अगर तुम ये समझ रहे हो कि बच्चे के बहाने से मैं पी लूंगा, तो लो मैंने जलती रेत पे लिटा दिया, ये कह के पीछे हटे और कहा आओ और खुद पानी पिला जाओ। तो इंतजार तो करते शायद कोई पानी लेकर आता, लेकिन फौरन दौड़े और दौड़ कर उठा लिया। अब कौन पूछे कि उठा क्यों लिया, का देख लिया था एड़ी रगड़ेगा। मालूम था अगर एड़ियां रगड़ेगा तो अभी चमश जमजम फूटने लगेगा, इसलिए क्या फकरे इब्राहिम है, फकरे इस्माइल है। इमाम को पता है, इमाम जानते हैं, इमाम को पता है कि अली अकबर का ब्याह जल्दी नहीं किया, पता है कि अली अकबर को काम क्या करना है, कोई एक काम थोड़ी है अली अकबर का, अरे अंबिया के काम करने हैं अली अकबर को। हैरत ना हो, अरे यहां तो 6 महीने का काम 1,24,000 अंबिया के कामों को कर गया। अरे याद रखो, आदम के लिए जन्नत नेमत थी, जन्नत छूटी तो रोने लगे, बच्चे के लिए जन्नत माँ की आगोश है या झूला है। अली असगर ने जन्नत छोड़ी तो आदम की तरह बाहर आके रोए नहीं। रोए नहीं, बता दिया अली असगर ने, अली असगर ने बताया। मैं तो अभी कह रहा हूं अली असगर ने नबुवत के काम किए तो अली अकबर तो बहुत अभी देर में नाम आएगा। अली असगर ने बताया कि अगर नू ने नजात के लिए सफीना बनाया और कश्ती में बैठे तो मैंने इमामत के हाथों को सफीना बना दिया। मैंने सफीना बना दिया, हाँ मैं फखरे इब्राहिम हूँ, मैं फखरे इस्माइल हूँ, मैं फखरे यूसुफ हूँ, मैं फखरे दाऊद हूँ, मैं फखरे सुलेमान हूँ। वो अगर रूह फूक कर जा रहे हैं तो मैं भी दीन में एक रूह फूक कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं रोता, अगर मैं रोता तो वो रूह रोती रूह फूकती, मैंने तो मुस्कुरा कर रूह, ताकि दीन मुस्कुराता रहे। यानी अली असगर ने दीन के मुकद्दर में रोना नहीं लिखा, हंसी लिखी। हाँ, चाहने वालों के लिए रोना लिख दिया, दीन के लिए हंसी लिख दी।
को। अब आप सोचिए अली अकबर ने अंबिया के कितने काम किए होंगे, अली अकबर ने अंबिया के कितने काम किए। भाई खत्मी मर्तबत ने 1,24,000 के काम किए और अली अकबर आखिरी की शबी हैं, तो नबी के जितने काम हैं सब अली अकबर को करने हैं। अगर कोई काम मोहम्मद के यहाँ अधूरा रह गया इल्मे बदा तो अली अकबर को पूरा करना है, वहां रुका यहाँ जारी हो। बैठे रह गए, मौजू तो मजलिस का यही था, अली अकबर पे तो तकरीर है भाई, आ गई ना मौजू पे, कल अब्बास आज अली अकबर, यही तकरीर खत्म हो जाएगी अभी 15-20 मिनट के बाद, बस सुनते जाइए। अगर कोई काम अल्लाह का मोहम्मद पे रुक गया तो अली अकबर पे तमाम होगा, इसीलिए तो करबला आए हैं। हैरान क्या हो कि कौन सा काम रुक गया, अरे काम रुक गया, काम रुक गया, जिहाद का हुक्म दिया, कताल का हुक्म दिया, तलवार भिजवाई, लेकिन अल्लाह चाहता था कि मैं मोहम्मद को लड़ते देखूं, लेकिन मोहम्मद ने किसी लड़ाई में तलवार नहीं चलाई, यानी उसका इरादा था कि मोहम्मद तलवार चलाएं, लेकिन इल्मे बदा हो गया, काम आगे बढ़ गया, करबला में सिर्फ हुक्म लड़ने का अली अकबर को मिला, इसलिए कि हुसैन जानते थे ये शबीह है मोहम्मद, लड़ेंगे तो अल्लाह इनकी लड़ाई देखेगा। अली अकबर की जंग नहीं है, मोहम्मद जंग कर रहे हैं, मोहम्मद जंग कर रहे हैं, जुमला ले लो। इसलिए अली अकबर की जंग हुसैन ने गौर से देखी कि पता था नाना ने जंग नहीं की, आज मैं नाना की जंग तो उधर वो देख रहा था, इधर ये देख रहे थे, इनका इरादा उसका इरादा, उसका इरादा इनका। इसलिए उसने शबीह मोहम्मद बनाया, इसलिए शबीह मोहम्मद बनाया। कोई एक काम अली अकबर को करना है, आप समझते हैं कि वाकई करबला में बस एक शहादत है अली अकबर की। अरे कामों को गिनने लगोगे तो अभी जो किताब अली अकबर पे आ रही है 1,000 सफे से ऊपर हो चुकी, शहजादे अली अकबर पे 1,000 की आइए, अब अली अकबर पे जो छपने जा रही है उसके सफात 1,000 से ज्यादा हो चुके, बड़े साइज की सवाने हयात है। और ये सवाने हयात जो शोहदाए करबला की आ रही हैं जखीम, ये पहली बार तारीख में आ रही हैं, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, इतनी मोटी किताबें, जखीम किताबें इन हस्तियों पे अभी नहीं लिखी गई। हजरत कासिम पे 3 जिल्दें लिख चुका, छप चुकी, अभी हुर पे आ रही है, हबीब पे आ रही है, सब पे आएगी, लेकिन पतले रिसाले नहीं निकालना मैं, जैसी हस्तियां हैं उसकी शान की किताब आना चाहिए, उसके मुताबिक किताब आना चाहिए। तो अली अकबर को आप समझ रहे हैं एक छोटा सा वाकया है, नहीं छोटा सा वाकया नहीं है, उसका इरादा ये था कि मैं अली अकबर को सिर्फ 1,00,000 की बाकियात ना बनाऊं, बल्कि मैं, मेरा खजाना पंजतन है, मेरी कायनात का दारो मदार पंजतन है, तो मैं अली अकबर को पंजतन का मजमुआ बनाऊं। तो मैंने पंजतन से कह दिया कि ये मेरा नुमाइंदा है अली अकबर, अगर तुम अपनी नुमाइंदगी देना चाहते हो तो दे दो। तो जल्दी से मोहम्मद ने कहा मैंने अपना हुस्न दिया, अपनी सूरत दी।
तो अली ने कहा मैंने अपना नाम दिया, तो हसन ने कहा मैंने अपना सब्र और खुल्क दिया, तो हुसैन ने कहा कि मैंने अपनी शहादत दी, तो ऐसे में जहरा ने कहा मैंने 18 साल दी। अब अली अकबर नुमाइंदे हैं, अली अकबर नुमाइंदे हैं, कम से कम इस पे तो हैरत हो जाए कि इतनी देर से मैं फजाइल पढ़ रहा हूं अली अकबर के। आप हमेशा शहादत सुनते हैं मसाइब, लेकिन मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मसाइब पे तो मैं बाद में आऊंगा। पता तो चले कि इनके सिर्फ मसाइब नहीं फजाइल भी हैं, तो फजाइल सुन लीजिए। 9 साल की उम्र से अली अकबर हाफिज कुरान थे, जब तिलावत करते तो चलते हुए कदम रुक जाते। मस्जिद नबवी में लोग खड़े होके फसाहत और बलागत और अली अकबर की करत सुना करते थे। बचपन से यह आलम था कि अली अकबर की कदरदानियां उम्मत में बढ़ती जाती थी, इसलिए कि खानदान वाले बहुत चाहते थे अली अकबर। और फिर 16 साल की उम्र में इल्म की उस मंजिल पे पहुंचे कि जैसे रसूलुल्लाह के पास बड़े बड़े वफूद आते थे ईसाइयों के यहूदियों के, और उनसे दीनी गुफ्तगू मनाजरा होता था, इसी तरह हसन और हुसैन के पास भी वफूद आया किए। लेकिन जब हुसैन के पास वफूद आते थे इल्मी बातचीत करने तौरेत इंजील ज़बूर और कुरान पर, तो हमेशा अली अकबर को भेजते थे और हर वफ से अली अकबर बैठकर बात करते। जब वो तौरेत बोलते तो अली अकबर तौरेत पढ़ने लगते, जब वो ज़बूर बोलते तो अली अकबर ज़बूर की तिलावत करते, जब वो इंजील बोलते तो अली अकबर इंजील की तिलावत करते, जब वो कुरान पे आते अली अकबर कुरान की आयात सुनाने लगते, और हर एक बात समझ कर जाता। इल्म की ऐसी मंजिल पर अली अकबर थे। उसके बाद आले मोहम्मद के घर में एक ऐसा शोबा था कि जिसको जनाब सैयदा ने कायम किया था और मौला अली ने उसे अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखा, और वो है कुरान की आयत व अतिदल कुर्बा हक्कहु व मिस्कीना व अबना सबील। ख्याल रखो रिश्तेदारों का, लेकिन अगर कोई मुसाफिर आ जाए तो तुम्हारे शहर में भूखा ना रहे, हुक्मे कुरान। इसके मुताबिक जनाब सैयदा ने एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ रातों दिन तन्नूर जलता रहता था और रोटियाँ पकती रहती थीं और गोश्त भुनता रहता था और खाना तैयार होता, कि अगर मदीने में कोई मुसाफिर आ जाए तो भूखा ना रहे, भूखा ना रहे। इसलिए कहा जाता था जिसके घर का तन्नूर ना बुझे और धुआं उठता रहे तो उसको अरब वाले कहते थे इसका तन्नूर कभी नहीं बुझा, इससे ज़्यादा अमीर अरब में कोई नहीं है। तो अरब में या हाशिम का तन्नूर नहीं बुझा, या अली का तन्नूर नहीं बुझा, या इमाम हसन का तन्नूर नहीं बुझा, या जनाब जैनब के शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का तन्नूर नहीं बुझा, या अली अकबर का तन्नूर कभी नहीं बुझा।